और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बिहार से आ रही है। बिहार में आप जानते हैं पहले चरण में चुनाव होना है 4 सीटों पर, और इस वोटिंग से पहले ही एक वीडियो है जबरदस्त तरीके से बिहार में वायरल हो रहा है और इसको लेकर सियासी घमासान खड़ा हो गया है। वीडियो जमुई का, और जमुई वो लोकसभा क्षेत्र है जहां पर कल वोट डाले जाने हैं। ये जो वीडियो जमुई का है, तेजस्वी यादव की सभा का है, और इस वीडियो में तेजस्वी यादव की सभा के बीच भीड़ में से चिराग पासवान के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। एबीपी न्यूज देखे इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन इस वीडियो को लेकर बिहार में राजनीति गर्म हो गई है। चिराग पासवान ने सीधे तेजस्वी यादव पर हमला बोल दिया है और ये कहते हुए बोल दिया है कि अगर इस तरीके की बातें उनके सामने कोई राबड़ी देवी या मीसा भारती के लिए करता तो वो तो उसका विरोध करते। चिराग पासवान कह रहे हैं जो लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते वो अपने क्षेत्र की जनता की रक्षा क्या कर पाएंगे। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं, यही वीडियो है, बिहार में जबरदस्त तरीके से वायरल है, और इस वीडियो में मंच पर तेजस्वी यादव है, नीचे से वो अभद्र टिप्पणियां जो की जा रही है चिराग पासवान पर, इतनी अभद्र टिप्पणियां हम आपको सुना नहीं सकते। और साथ ही मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, ये जो वायरल वीडियो है एबीपी न्यूज उसकी पुष्टि भी नहीं करता है, लेकिन इसको लेकर सियासत गर्म बिहार की। चिराग पासवान कैसे तेजस्वी को घेर रहे हैं ये सुनिए। कोई अगर आदरणीय राबड़ी देवी जी, मेरी बहनों में से किसी को, मीसा दी हो, जो भी हो, अगर वो चुनाव लड़ रही है, मतलब जो भी सार्वजनिक जीवन में है, कोई नहीं चुनाव लड़ रही है सार्वजनिक जीवन में जो, या नहीं भी है, अगर उनके बारे में कोई ऐसा कहता तो मैं बर्दाश्त नहीं, मैं कतई नहीं बर्दाश्त करता। राजनीति सब एक तरफ है, जो व्यक्ति अपने परिवार के सम्मान की ही रक्षा नहीं करता तो वो लोकसभा की, अपने क्षेत्रवासियों की क्या रक्षा करेगा। जो महिलाओं का ही नहीं सम्मान करता तो वो अपने क्षेत्र की महिला, अपने प्रदेश की महिलाओं का कैसे। तो मैं कम से कम खामोश नहीं। और वहां दूसरी तरफ बिहार के गया से जो एनडीए के उम्मीदवार है जीतन राम मांझी, उन्होंने भी इसी वायरल वीडियो को लेकर तेजस्वी यादव पर हमला बोल दिया है। सोशल मीडिया एक्स पर लिख रहे हैं, अभी तक तो राजद के गुंडे कैमरे के पीछे दलितों पर हमला करते थे, हमारी आबरू के साथ खिलवाड़ करते थे, पर जमुई की सभा में तेजस्वी यादव के इशारे पर चिराग जैसे दलित नेता को मां बहन की गाली दी गई जो शर्मनाक है। तेजस्वी जी, आपके हर अपमान का बदला बिहार की जनता चुनाव के दिन लेगी। तो ये जीतन राम मांझी का सोशल मीडिया पर पोस्ट, और इस पोस्ट के जरिए जीतन राम मांझी सीधे तेजस्वी यादव को ले रहे हैं। कुल मिलाकर दलितों के अपमान के तौर पर ये जो वायरल वीडियो सामने आया है इस पर राजनीति गर्म हो गई है, और इसीलिए चिराग पासवान को लेकर अगर अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो फिर दलित नेता, पासवान समाज से आने वाले चिराग पासवान, उनके साथ खड़े हुए नजर आते हैं मांझी समाज से आने वाले जीतन राम मांझी, और सीधे सीधे इस पूरे मसले को वो दलितों के अपमान का मसला बनाते हैं। और देखिए किस तरीके से हमलावर हैं तेजस्वी यादव पर, कह रहे हैं कि पहले तो साहब हमारी जो जातियां हैं उन पर कैमरे के पीछे ही आपके लोग अत्याचार करते थे, लेकिन अब तो खुलेआम इस तरीके से मंच से ये अपमान किया जा रहा है और इसका जवाब जो है वो बिहार की जनता देगी। हालांकि ये जो वायरल वीडियो है इस पर तेजस्वी यादव की सफाई आई है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं रैली में बहुत लोग आते हैं, भीड़ होती है, भीड़ में कौन क्या कह रहा है ये सुन पाना नामुमकिन सा है, और वैसे भी तेजस्वी यादव मंच पर खड़े हुए थे और वो जो वायरल वीडियो में सुनाई पड़ रहा है वो भीड़ में से किसी की आवाज सुनाई पड़ रही है। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं ये सुनाई नहीं दे पाता है, किसने क्या कहा मैंने नहीं सुना, इसको तूल देना ठीक नहीं है, इसका कोई जानकारी नहीं है, आप लोग सब लोग जानते हैं, अगर ऐसी कोई बात होती है तो ये चीज टॉलरेट नहीं की जाती है, पहली बात है ना, हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक वीडियो डाला है जो जनता के बीच, मतलब मंच के नीचे जब हम भाषण दे रहे थे तब, हम तो अपना भाषण दे रहे हैं है ना, उसमें तो कुछ समझ में आता नहीं, लोग जो है नारे लगाते हैं, कौन क्या बोल रहा है, कोई अपने वीडियो बना करके डाला है उसमें, तो ऐसी बात जो है हमको लगता है कि इस बात को जो है सब लोग समझते हैं कि क्या है नहीं है, हम लोगों को भी कई लोग ऐसी गालियां देते होंगे पब्लिक में, वहां नीचे बैठ करके कौन वीडियो बना रहा है, कौन क्या बोल रहा है, नीचे से ऊपर थोड़ी सुनाई दे रहा है, तो ये बात जो है बतंगर इसका नाम बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा।
तेजस्वी यादव को सुना आपने, कह रहे हैं कि साहब बात का पतंगड़ ना बनाया जाए। कह रहे हैं मैं मंच पर था, पहली बात तो ये कि ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन ये नामुमकिन सा है कि मंच पर आप सुन सके कि भीड़ में कौन क्या बोल रहा है। किसी ने भीड़ में नीचे से अगर ऐसा वीडियो बनाकर डाला तो वो बात को दोहरा रहे हैं कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर सियासी तूल तो इस मामले को जबरदस्त अंदाज में दिया जा रहा है। जो आरजेडी, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के विपक्षी नेता हैं, वो जबरदस्त तरीके से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और अब देखिए सम्राट चौधरी। वायरल वीडियो पर राजनीति लगातार गर्म। बिहार के डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, कह रहे हैं दलितों के मसीहा के परिवार का अपमान कर दिया गया है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, जरूर कार्रवाई होनी चाहिए और जरूर कार्रवाई होगी। सम्राट चौधरी की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के दलितों के मसीहा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पत्नी को और श्री चिराग पासवान जी की माता जी को जिस तरह गाली गलौज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा, यह अशोभनीय है, दुख है, पीड़ादायक है और जरूर कार्रवाई होगी, चुन चुन कर कार्रवाई होगी, इतना कंफर्म करता हूं। एक भी व्यक्ति जो गाली देने वाले लोग हैं उसको बचने नहीं छोड़ा। सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। बिहार से हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं और जरा प्रकाश से ही जान लेते हैं कि प्रकाश, ये जो वायरल वीडियो वाला मुद्दा गर्मा रहा है, मतलब एन चुनाव से पहले वो महंगाई, बेरोजगारी, जाति जनगणना, जितने बाकी मुद्दे थे वो सारे पीछे छूटते हुए और यही वायरल वीडियो वाला सबसे गर्म चुनावी मुद्दा इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है, खासतौर से उन सीटों पर जहां कल वोटिंग होनी है जिसमें जमुई की सीट भी शामिल। बिल्कुल रोमाना, अब ये मामला काफी तूल पकड़ चुका है, खासतौर से तब जब बीजेपी के डिप्टी सीएम जो सम्राट चौधरी है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि चुन चुन कर कार्रवाई होगी। सवाल ये नहीं है कि मामला जो है वो अब तूल पकड़ रहा है, जिस तरह से तेजस्वी यादव को इस बात का खंडन करना चाहिए था और सीधे तौर पे कहना चाहिए था कि गाली गलौज की भाषा को किसी भी कीमत पे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ये जो कह रहे हैं कि वो जिस समय में ये भाषण चल रहा था, आपके पास लौटूंगी दोबारा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।